सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने टिकटिंग की, वाइन शॉप्स की और कारण प्रवास के दुकानों पर गांधी जी के नमक यात्रा में सहभागिता की और नमक भी बनाया। दे मार्च मिस्टर गांधी की गांधी उनके प्रिपेयर द साल्ट ऑल्सो एंड दे टिकटेड द शॉप्स ऑफ फॉरन क्लॉथ्स इन द लीकर शॉप्स इन दिस वे द लेडीज ऑल्सो टू पार्ट टू टू ए मेजर पार्ट इन दिस सिविल डिसिप्लिन्स मूवमेंट। मेनली मेनी वेंट टू जेल, अनेक महिलाएं जेल भी गई। इन अर्बन एरियाज द वीमेन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज और शहरी क्षेत्रों में तो ऊंचे जात की महिलाओं ने इसमें भाग लिया। इन रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्रों में दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउसेस हाउस होल्ड्स और देहात में गाँव में जो बड़े किसान थे उनके घर की महिलाएं भी इनमें भाग ली। इन अर्बन एरियाज द हाई कास्ट द वीमेन ऑफ द हाई कास्ट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड इन द विलेजेस द वीमेन ऑफ द रिच पीजेंट्स रिच फार्मर्स केम आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड टू पार्ट इन दिस इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मूव्ड बाई गांधी जीज कॉल दे बिगैन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेट ड्यूटी ऑफ ह्यूमन। गांधी जी की पुकार पर उन्होंने महिलाओं ने इसे एक पवित्र सेवा समझा, इसे एक राष्ट्र की पवित्र सेवा समझा और उन्होंने अपना महिलाओं का एक कर्तव्य माना। उन्होंने देश की सेवा को महिलाओं का एक कर्तव्य मानते हुए राष्ट्र की सेवा का की संज्ञा दी। दे टूक इट एज द सर्विस ऑफ द कंट्री एंड ए सेक्रेट ड्यूटी ऑफ द वूमेन। इन्होंने महिलाओं के पवित्र कर्तव्य और राष्ट्र की सेवा माना और इस तरह से उन्होंने सहभागिता दी। येट दिस इंक्रीज्ड पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजिशन ऑफ वीमेन वॉज विजुअलाइज्ड। लेकिन इस पर भी दिस इंक्रीज द पब्लिक रोल यह जनता की बढ़ी हुई सहभागिता का अर्थ यह नहीं था एनी रेडिकल चेंज इन द वे द प्रैक्टिस ऑफ वीमेन वॉज विजुअलाइज। महिलाओं का जो ये योगदान था इसे कोई एक द्रुत परिवर्तन के रूप में नहीं माना गया। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वीमेन टू लुक आफ्टर होम। इसे महिलाओं का जो ये योगदान था इसे विशेष महत्व नहीं प्रदान किया गया क्योंकि गांधी जी यह मानते थे कि महिलाओं का यह कर्तव्य है कि घर के घरेलू कार्यों की देखरेख करें। उनकी पहली ड्यूटी है घर की देखरेख करना। एंड आफ्टर होम एंड हर्थ वे घर के चूल्हे और घर की देखभाल करें। बी गुड मदर अच्छी माताएं बने एंड गुड वाइफ और अच्छी पत्नियां बने। गांधी जी का यह दृष्टिकोण था
कि महिलाएं घर के चूल्हे चक्की देखें और अच्छी माताएं बनें और अच्छी पत्नियां बनें. ही डिड नॉट गिव इम्पॉर्टेंस टू द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस बिकॉज ही वॉन्टेड दैट लेडीज शुड फर्स्ट ऑफ ऑल लुक आफ्टर देयर हाउसेस एंड दे शुड नरिश देयर चिल्ड्रन एंड दे शुड केयर फॉर देयर हस्बैंड्स एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वीमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और इसीलिए बहुत दिनों तक कांग्रेस के लोग इस संगठन में महिलाओं को कोई आधिकारिक स्थान देने के लिए इच्छुक नहीं थे. उन्होंने कोई आधिकारिक पद महिलाओं को नहीं प्रदान किया बहुत दिनों तक कांग्रेस के लोगों ने इस संगठन में. दे डिड नॉट गेव एनी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. कांग्रेस डिड नॉट गिव एनी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बी वीमेन बिकॉज दे थॉट दैट वीमेन शुड लुक आफ्टर द हाउसेस चिल्ड्रन एंड द हस्बैंड्स. द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएँ थी. क्या सीमाएँ थी? नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वेयर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज. स्वराज्य का जो यह अमूर्त स्वरूप था जिसका कोई जो इसका अप्रत्यक्ष स्वरूप था इसे विभिन्न ग्रुप के लोगों ने नहीं विभिन्न ग्रुप के लोग इससे प्रभावित नहीं हुए. अनेक ग्रुप के अनेक वर्ग के लोगों उन्हें स्वराज्य के इस अप्रत्यक्ष स्वरूप पर ध्यान नहीं दिया. दे वर नॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज. वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल्स. और उनमें से एक ग्रुप था अछूतों का एक समूह था जो स्वराज से कोई मतलब नहीं रखता था. उनसे इससे कोई मतलब नहीं था. हु फ्रॉम अराउंड द 1930s हैड बिगन टू कॉल देमसेल्व्स दलित और ऑपरेस्ट. जो 1930 के समय से ही अपने को दलित या अपने को पीड़ित मानते थे. यह वर्ग जो था जो अछूतों का वर्ग था वो अपने को दलित कहता था और अपर समाज का पीड़ित वर्ग मानता था. इसलिए उन्हें स्वराज से कोई मतलब नहीं था. दे वेर नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज बिकॉज दे थॉट देमसेल्व्स टू बी द दलित हु हैज बीन ऑपरेस्ड बाई हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी. फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित. बहुत दिनों तक कांग्रेस ने भी इनकी उपेक्षा की. फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनी. जो सनातनी थे उनको नाराज करने की भय से बहुत दिनों तक कांग्रेस ने इनकी उपेक्षा की. दी कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू जो उच्च वर्ग के रूढ़िवादी लोग सनातनी लोग जो थे इनके भय से इनको नाराज करने के भय से दलितों पर पहले तो कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया. बट महात्मा गांधी डिक्लेयर
that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. लेकिन महात्मा गांधी ने यह कहा कि सैकड़ों वर्षों तक स्वराज नहीं आएगा अगर इस अछूत इस अछूतपन को दूर नहीं किया जाता है, इस अगर अस्पृश्यता को दूर नहीं किया जाता तो सैकड़ों वर्षों तक भारत में स्वराज का आना मुश्किल है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक इंडिया फ्री इफ दिस अनटचेबिलिटी इज नॉट फिक्स्ड. ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन्स, और ऋषि ने उन्होंने अछूतों को हरिजन कहा, भगवान का आदमी कहा. आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इन्होंने ईश्वर की संतान बताया. ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर द कंट्री, टू सिक्योर द कंट्री इन टू टू सिक्योर द एंट्री इन टू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स टैंक्स रोड्स एंड स्कूल्स. और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया उनके मंदिरों में, कुओं पर, जन स्थानों पर, स्कूल में, तालाबों पर, सड़कों पर प्रवेश के लिए, उनके प्रवेश को सुरक्षित करने के लिए. तो नहीं इन स्थानों पर कुओं पर जाने की अनुमति मिले, मंदिरों में जाने की अनुमति मिले, सड़कों पर चलने की अनुमति मिले, तालाबों में पानी लेने की अनुमति मिले, पब्लिक स्पेसेस पर जाने की अनुमति मिले, इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया. ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू गिव देम एंट्री ऑन दीज प्लेसेस, ऑन दी वेल्स, ऑन दी टैंक्स, ऑन दी रोड्स एंड ऑन दी स्कूल, इन दी स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस. ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगीज, और उन्होंने भंगियों के काम को सम्मानित करने के लिए स्वयं टॉयलेट्स की, शौचालयों की सफाई की, यह सिद्ध करने के लिए कि भंगियों का कार्य जो है वह निम्न कोटि का कार्य नहीं बल्कि एक सम्मानित कार्य है. इसके लिए स्वयं उन्होंने शौचालयों की सफाई की एंड परसुएटेड अवर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट, और उच्च वर्ग के लोगों को ये समझाया कि वो अपने हृदय को बदलें एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इस अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें. उन्होंने बड़े वर्ग के लोगों को ये समझाया. ही कन्विंस द पीपल ऑफ हायर रैंक आल्सो, ऑफ हाई कास्ट आल्सो, दैट दे शुड नॉट डू दिस सिन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी दी अनटचेबिलिटी वॉज ए सिन, उन्होंने कहा अस्पृश्यता एक पाप है और इस पाप को वो छोड़े. बट मैनी दलित लीडर्स वेयर कीन ऑन अ डिफरेंट पोलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी. लेकिन कुछ जो नेता थे, लोग थे इसके, जो दलितों के नेता थे, वे अपने इस वर्ग के लिए एक दूसरा समाधान चाहते थे. दे वांटेड समथिंग डिफरेंट फॉर द दलित्स, दे वांटेड सम डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर द दलित कम्युनिटी. दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, वे अपने को संगठित करना प्रारंभ किए नेता लोग, एंड डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं में उनके लिए आरक्षित सीट की मांग कर रहे थे, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, और अलग वे
चुनाव की मांग कर रहे थे, दे टूड चूज दलित मेंबर्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अलग से चुनाव करेगी, दैट वुड चूज दलित मेंबर्स। वो एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मांग कर रहे थे जो दलित मेंबर को, दलित सदस्यों को विधायिका समिति के लिए चुनेगी। मैंने भी चुनाव ही अलग करना चाहते थे नेता लोग, कि दलित लोग ही उन्हें चुने, अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजें, सामूहिक चुनाव न हो, सबको मिला के चुनाव न हो, बल्कि दलित लोग ही चुनाव करें और अपने मेंबर्स को भेजें, ऐसा वे लोग मांग कर रहे थे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। उनका यह मानना था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इनको राजनीतिक शक्ति मिले, यह राजनीतिक शक्तियाँ जो हैं वे, उनका विश्वास था कि वही उनकी समस्याओं का हल देगी, उनकी सामाजिक योग्यता का हल उनको राजनीतिक शक्ति प्रदान करने से होगा। दे बिलीव दैट देयर सोशल डिसेबिलिटी विल बी इम्प्रूव्ड व्हेन दे गेट पॉलिटिकल पावर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसबिडियंस मूवमेंट वॉज देयरफॉर लिमिटेड, और इसीलिए दलितों की सहभागिता इस मूवमेंट में सीमित थी, पार्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र, विशेष करके महाराष्ट्र के दलितों ने इस मूवमेंट में भाग नहीं लिया, एंड नागपुर रीजन और नागपुर क्षेत्र में वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रांग, जहाँ यह संगठन बड़ा मजबूत था। इन दलितों का संगठन जहाँ शक्तिशाली था, वहाँ नागपुर रीजन में और महाराष्ट्र में दलितों ने इस सिविल डिसबिडियंस में भाग नहीं लिया या बहुत कम लिया, क्योंकि वहाँ अम्बेडकर जैसे नेता थे जो इनका अलग एक संगठन बनाते, इनका एक इलेक्टोरेट बनाना चाहते थे, निर्वाचन मंडल बनाना चाहते थे, और ये चाहते थे कि उनके लिए अलग से चुनाव हो और उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल पावर प्रदान किया जाए, और तभी उनकी जो सामाजिक अयोग्यता है उसमें सुधार लाया जा सकता है। दिस वॉज द बिलीव। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इन द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 क्लैश्ड विथ महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाई डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। बी आर अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इन दलितों का संगठन बनाया था और जिसका नाम उन्होंने रखा था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, दलित वर्ग का यह संगठन जो उन्होंने 1930 में बनाया था, तो इन बी आर अम्बेडकर से गांधी जी से संघर्ष किया दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने मांग रखी एक अलग मतदाता, दलितों के लिए अलग मतदाता वर्ग की मांग रखी। इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी का विरोध किया, उन्होंने मांग रखी कि एक अलग मतदाता संग्रह बनाया जाए, दलितों का एक अलग मतदाता वर्ग बनाया जाए, इसमें केवल दलित ही वोट देंगे और उनमें दलित के ही प्रत्याशी होंगे। बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज
an association of the depressed class in 1930. He opposed Mahatma Gandhi in the Round Table Conference, and he demanded that there should be a separate electorate for the Dalits. When the British government conceded Ambedkar's demand, Gandhiji began a fast unto death. और जब अंग्रेजी सरकार अंबेडकर की इस मांग को न चाहते भी मानने के लिए तैयार हो गई, तो गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अंबेडकर की मांग को अंग्रेजी सरकार ने मान लिया कि ठीक है, एक वर्ग और तैयार हो जाए, उनको तो बांटने और शासन करने की भावना थी, इसलिए उन्होंने सोचा अच्छा ही है, एक और वर्ग तैयार हो जाएगा विरोध में कांग्रेस से, और उन्होंने इस मांग को मानने की बात कही, तो गांधी जी ने फिर आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ही स्टार्टेड ए फास्ट अनटू डेथ। ही बिलीव, उनका विश्वास था दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इंटू द सोसाइटी। उनका मानना था, गांधी जी का मानना था कि अगर एक अलग इलेक्टोरेट बनता है दलितों के लिए, तो इससे फिर उनका जो यह आंदोलन चल रहा है एकता का, वह धीमा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अगर उनको अलग से ही इलेक्टोरेट दे दिया जाता है, मतदाता मतदान संग्रह का अधिकार अलग से दिया जाता है, तो फिर उनकी योग्यता एकता कमज़ोर हो जाएगी। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन हो रहे हैं, इनका विभाजन हो जाएगा, और फिर भारतीय एकता, भारत के लोगों की एकता इससे प्रभावित हो जाएगी। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन, और अंत में गांधी जी की स्थिति को उन्होंने स्वीकार किया अंबेडकर ने, एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। अंबेडकर ने गांधी जी की इस बात को माना, और फिर पूना में 1932 में सितंबर के महीने में एक संधि हुई। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल। और इस पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग को प्रांतीय और केंद्रीय विधायिका वर्ग में निश्चित सीटें दी गई, निश्चित स्थान प्रदान किया गया, बट दे वेयर टू बी वोटेड इन बाय जनरल इलेक्शन, लेकिन उनको सामान्य निर्वाचन द्वारा ही चुना जाना था। मैंने सब लोग मिलकर, सभी जनता, पूरी जनता मिलकर उन्हें चुनेगी, केवल हरजन ही नहीं चुनेंगे, बल्कि सब लोग मिलकर चुनेंगे उन्हें। हाँ, यह है कि क्रांति और केंद्रीय असेंबली में उनको कुछ निश्चित स्थान दिया जाए, उनके स्थान जो है सुरक्षित कर दिए जाएंगे। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। और लेकिन दलित मूवमेंट, दलितों का जो आंदोलन था, हाउएवर कंटिन्यूड, फिर भी कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव, वो सशंकित रहा ऑफ द कांग्रेस लेड
नेशनल मूवमेंट, कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके प्रति दलित आंदोलन सशंकित ही रहा। इतना कर देने पर भी उनकी शंकाएँ दूर नहीं हुई, देवर टू सब एक्सटेंट नॉट कंसेंटेड विद दिस नेशनल मूवमेंट ऑपरेटेड बाई दी कांग्रेस।